हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे कॉर्न बॉल्स विद वेजिटेबल, जो कि बहुत हेल्दी है। सबसे हम पहले हमने 250 ग्राम लिया है कॉर्न। इसको मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और चाय के साथ भी ले सकते हो। और अब मैंने लिया है बेसन। मैंने एक छोटी कटोरी बेसन लिया, जिसमें से मैंने अभी इसमें 3 चम्मच डाला है बेसन और 2 टेबलस्पून मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर। दो छोटे प्याज मैंने ऐसे ब्रीक चॉप्ड किए हैं, वो एक शिमला मिर्च जो मीडियम साइज़ की है वो भी मैंने ऐसे ब्रीक चॉप्ड की है। एक मैंने लिया है टमाटर। अब मैं इनको सबको मिक्स कर दूंगी। आप और जो भी आप वेजिटेबल इसमें ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। अब मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है नमक। छोटे चम्मच चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है 1 चम्मच इसमें। और ये मैंने इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चिली फ्लेक्स, जो मैंने घर पे ही बनाई हैं। अब मैंने इसमें एक आधा नींबू ऐसे निचोड़ दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो पेस्ट बनाना है, ये थोड़ा सा मतलब इसकी बॉल्स बनानी है, तो अगर आपको जैसे थोड़ा पतला लग रहा है तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो। मतलब इसका जो पेस्ट का टेक्सचर है वो ऐसा होना चाहिए जिससे बॉल इजी से बन जाए। मेरे को थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच और बेसन डाल दूंगी। यानी कि टोटल मैंने एक छोटी कटोरी बेसन इसमें डाला है और कॉर्नफ्लावर डाल रहा है 2 चम्मच। अब मैं इस ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर लूँगी और प्लेट पे भी थोड़ा ऑयल लगा दूँगी, ताकि ये जो बॉल्स हैं इस पे चिपक ना जाएं प्लेट पे। अब मैंने ऐसे सारी बॉल्स बना के रख ली हैं। अब मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया और मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से काली हो जाती है और अंदर से नहीं पकती। अभी मैं इनको और पकाऊंगी। थोड़ा इसमें टाइम लगता है अगर आप मीडियम फ्लेम पे पकाओगे, पर बहुत अच्छी बनती है ये। ये हमारी कॉर्न बॉल्स हो गई हैं तैयार। जैसे हम कहीं ओकेजन पे जाते हैं, गेट टुगेदर में जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्नैक है। हम भी बना सकते हैं, जैसे कोई बर्थडे है घर पे या कोई भी हमने कोई छोटी वो ओकेजन करना है, तो उस पे हम ये स्नैक बना सकते हैं। और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें कॉर्न्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप बनाना और ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।